यह है चामराजपेट ईआर मिल्स क्रिमेशन, जहाँ पे डेड बॉडी को जलाई जाती है। यह है बेंगलुरु का मेन टीआर मिल्स चामराजपेट के शमशान घाट। यह बेंगलुरु की राजस्थान परिषद ने यहाँ पे शेड बना रखा है, जो यहाँ शमशान घाट में जो आते हैं उनके लिए गर्मी से बचे, उनकी शेड लगाई हुई है। यहाँ आके प्रथम जो है डेड बॉडी को नमस्कार किया जाता है, अर्पण किया जाता है, उसके बाद डेड बॉडी आगे लकड़ी की तरफ में चले जाती है। यह है बेंगलुरु का टीआर मिल्स शमशान घाट। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको एक दिन इसी रास्ते पे जाना है। एक दिन सबको इसी रास्ते पे जाना है, चाहे आज जाए चाहे कल जाए, इसीलिए जीवन में अहंकार न करना पड़े। नमस्ते नमस्कार, मैं बेंगलुरु से टीआर मिल चामराजपेट से विष्णु। नमस्कार, आपका एक बार बहुत स्वागत है। इस समय बेंगलुरु के टीआर मिल चामराजपेट में हैं और ये बेंगलुरु का मेन शमशान घाट है और यहाँ दिवंगत होने से यहीं पर अंत्येष्टि होती है और सबको एक दिन इसी रास्ते पर जाना है। करीम साहब हमारे पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, तो बोलिए। हमारे बहुत खास थे, वो बहुत ही नज़दीकी थे, उनके जाने से बहुत स्वस्थ हुआ, लेकिन परमात्मा उनके आत्मे को शांति दे, यही प्रार्थना है प्रभु से। जय श्री कृष्ण। टी आर मिल्स पंचतत्व में विलीन होते हैं शरीर साहब। शरीर साहब हमारे बहुत पुराने 30 साल से दोस्त थे, इकट्ठे बड़े खिले हैं। क्या तुम नाम आपका? मेरा नाम राकेश है, और भगवान से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी कुछ बोलना है, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है तरुण ऊंचा, ये मेरे फादर इन लॉ। आगे इनका बहुत साथ रहा, इनका हमेशा आशीर्वाद था। आशीर्वाद तो रहे, आशीर्वाद था इनका, बहुत सपोर्ट था। अच्छा, तिराग के बाबू जी थे? हाँ। अच्छा, मेरे फादर नहीं हैं। अच्छा, मेरे फादर ही बन गए। मेरे फादर को बहुत यंग एज था, मेरा तब से यही साथ है मेरे। तो इस तरह जो है तरीन साहब पंचतत्व में विलीन होते हुए हमारे से भी कम से कम 10 से 15 साल से इनका संपर्क था, बराबर ऑफिस में आते थे, चाय पानी पीते थे। तो आज ये टीआर मिल्स चामराजपेट शमशान घाट, जहाँ चाहे राजा हो तो फकीर हो, सभी को इस तरह आना होगा। सबके साथ बोलिए कुछ आप अनुभव वगैरह जो है। आपका शुभ नाम? सुभाष। सुभाष, Thank you.